एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो जब देती है तो बेशुमार देती है, लेकिन ये इंडस्ट्री जब इंसान को बर्बाद करने पर आती है तो वो पाई पाई का मोहताज हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक्टर रणवीर शौरी के साथ भी हो रहा है। रणवीर शौरी आखिरी बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में नजर आए थे। शो में रणवीर को काफी पसंद किया गया था, लेकिन इस शो से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। रणवीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग कहते हैं कि बिग बॉस के बाद रातों रात जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि रणवीर ने माना कि शो के बाद उन्हें ज्यादा अटेंशन मिलने लगी है। रणवीर ने कहा, अटेंशन से करियर नहीं चलता, अटेंशन से मेरे करियर में कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास कुछ ऑफर्स हैं, लेकिन शो के बाद जिंदगी ज्यादा नहीं बदली। हाँ, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरे करियर में ग्रोथ होगी। रणवीर ने कहा कि एक्टिंग से अब मैं यूट्यूब पर शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जल्दी ही अपने डेली व्लॉग्स शेयर करके अपनी जिंदगी से आपको रूबरू करवाऊं। आप जल्द ही मुझे यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए देखेंगे। रणवीर ने कहा कि वो कई सालों से सुन रहे हैं कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिलता। एक्टर ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि कुछ वेब प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिन्हें फाइनल करने के लिए मैं कुछ वक्त ले रहा हूँ, लेकिन कई एक्टर्स के साथ हमेशा से ही नाइंसाफी होती आई है। ये पैटर्न रहा है, उनके बारे में बात तो की जाती है, लेकिन उन्हें अच्छा काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। रणवीर की बात करें तो वो भेजा फ्राय, एक था टाइगर, प्यार के साइड इफेक्ट्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और एक्टर की एक्टिंग के बड़े बड़े सितारे भी कायल हैं। फाइनल का न्यूज़ डेस्क।